नमस्कार, स्वागत है सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का में चर्चा करेंगे यहां पर कमोडिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है। हफ्ते क्लोज होने को है, कमोडिटी बाजार क्लोज होने को है। कल को आखिरी दिन रह जाएगा कारोबारी सप्ताह का कमोडिटी बाजार का। तो पहले से ही जान लेते हैं कि कमोडिटी बाजार में कहां पर कितने कमाई के मौके हैं और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। तो शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो सोना देख रहे हैं वही अपनी सुस्ती वाली चाल के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है। जिस हिसाब से महंगाई है और जिस हिसाब से अमेरिका में आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं, डेटा निकल के सामने आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं सोने की और चांदी की जो चमक है वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ती नजर आ रही है। सोना देख रहे हैं कि इस समय $1,814 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, वहीं चांदी भी $21.4 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। तो गोल्ड और सिल्वर में अभी जो नरमी वाला रुख है वो देखने को मिल रहा है। दूसरा, जो अमेरिका जो यूएस फेडरल रिजर्व बैंक के जो चेयरमैन है पॉवेल जी, उन्होंने कहा है कि वो बेसिस पॉइंट्स में यानी कि जो ब्याज दरें हैं उनमें बढ़ोतरी तो करेंगे, लेकिन इतनी बढ़ोतरी नहीं करेंगे जिस हिसाब से मार्केट में अटकलें लगाई जा रही है। मार्केट की अटकलें हैं, मार्केट वालों का अनुमान है कि 0.75% से ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि जितना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और जितना भी हो पाएगा उससे उतना करेंगे, लेकिन इतनी बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी नहीं होगी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर गोल्ड और सिल्वर में मुनाफा कैसे कमाया जाए, क्या रणनीति हो, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एमसीवी पर। रूपा जी, गोल्ड और सिल्वर में देख रहे हैं कि वही सुस्ती वाली चाल है, कभी डॉलर में तेजी तो दूसरा कभी जो यूएस फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से बयान निकल के सामने आ रहे हैं उसकी वजह से हम डॉलर प्राइसेस गोल्ड सिल्वर प्राइसेस स्लिप ऑफ होते देख रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ऐसी सिचुएशन के अंदर भी गोल्ड और सिल्वर में मुनाफा कमा के चला जा सकता है? जी, तो यानी कि सबसे जो अहम मुद्दा उठ के नजर आ रहा है अभी सबसे ज्यादा वो डॉलर ही आ रहा है, डॉलर और डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स को हमने रिसेंटली मल्टी ईयर हाईस पे देखा था, डिकेड्स हाई पर देखा था, तो इसका भी जो असर है कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस पर पड़ता है। जो निवेशक हैं वो गोल्ड और सिल्वर से हट कर डॉलर में निवेश में चले जाते हैं, इसी का ही असर है कि गोल्ड और सिल्वर की जो प्राइसेस हैं उनमें नरमी देखने को मिलती है। और एक और अहम बात, भारत का सोने का जो आयात है उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। रूपा जी, जो सोने के आयात में गिरावट आई है इसका असर गोल्ड और सिल्वर की मार्केट पर कितना देख रही हैं आप? देखिए, सोने और चांदी में अभी गिरावट जो है वो बढ़ती है दिखाई दे रही है और इसका असर यही है कि मार्केट जो है अभी करेक्शन जाता हुआ नजर आ रहा है। और जहां तक सोने की बात है वो अभी भी रेंज बाउंड है, 1700 से 1820 डॉलर की रेंज है। और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज इंट्राडे में थोड़ा बहुत बिकवाली का प्रेशर आ सकता है, लेकिन वही अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अभी भी सोना पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। हम निचले स्तर पर सोने में खरीदारी की रणनीति बनाई जा सकती है। जी, ये सर रूपा जी, क्रूड देख रहे हैं कि क्रूड में भी कुछ बढ़ोतरी हुई है पहले के मुकाबले। ब्रेंट क्रूड ऑयल $110 पर है, WTI $108 पर। रूपा जी, खबरें निकल के सामने आई हैं कि अमेरिका की जो क्रूड इन्वेंट्री है उसमें एक फॉल देखने को मिला है। दूसरा, जो रशिया है कच्चे तेल पर नए प्रतिबंध लगा सकता है, जहाँ पर बाकी देश रशिया पर लगा रहे थे अब रशिया आगे आ रहा है खुद कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगाने के लिए। तो ऐसे में क्या अभी कच्चे तेल में उछाल आने की और संभावना है? देखिए, बिल्कुल फंडामेंटली अभी काफी सपोर्टिव है और टेक्निकली भी मार्केट सपोर्टिव है। मैंने पहले भी बताया था कि $120 तक क्रूड ऊपर में जाता हुआ दिखाई दे सकता है और वही रेंज अभी भी हम देख रहे हैं कि मार्केट में बनी रह सकती है। और कच्चा तेल जो है वो ऊपर में $120 तक की अपसाइड मोमेंटम पकड़ सकता है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो उसमें भी एक्सपेक्टेड है कि 9,000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी, ये सर रूपा जी, नेचुरल गैस भी देख रहे हैं कि नेचुरल गैस भी ठीक ठाक लेवल्स पर ट्रेड कर रही है, $8.2 पर है। वहीं पे आज खबरें निकल के सामने आई है कि भारत सरकार ने घरेलू सिलेंडर के दाम और कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। तो रूपा जी, ऐसे में आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से विदेशों में नेचुरल गैस की कीमतों में उछाल है और भारत में भी
जो गैस के दाम है लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, तो क्या गैस का जो बाजार है वो आगे तेजी देखने को मिलेगा, या फिर जो गर्मी का मौसम आएगा, थोड़ा माइल्ड वेदर रहेगा, उससे कुछ प्राइसेस में नरमी भी आएगी? देखिए, जहाँ तक नेचुरल गैस की बात है, नेचुरल गैस में भी अभी फिलहाल देखिए आज जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। छुटमुट गिरावट आ सकती है, लेकिन ओवरऑल अभी मार्केट पॉजिटिव है। और सभी बात करें अगर एनर्जी सेक्टर की, तो उसमें तो कम लोग तो देखने को मिल रहा है, लेकिन साथ में पॉजिटिवनेस भी है। और अभी तक नेचुरल गैस जो है आज इंटरनेट में 2% की गिरावट दिखा रही है, क्योंकि 600-500 उसकी डाउन साइड हो सकते हैं, ऊपर में 700-720 की रेंज है, तो करेक्शन पर इसमें भी बाय करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, बेस मेटल्स में क्या लगता है आपको, जिस हिसाब से डॉलर में तेजी है और यूएस में भी तेजी है और चाइना अब धीरे धीरे मार्केट में उतर रहा है, तो इन सारे फैक्टर्स के मद्देनजर अब बेस मेटल्स का बाजार कैसा रह सकता है? बेस मेटल में भी पॉजिटिव है मार्केट, और लगातार हम देख रहे हैं कि सपोर्ट आता हुआ नजर आया है बाजारों में। गिरावट के बाद एक बार फिर से मार्केट जो है थोड़ा सा खरीदारी में गया है, और अभी भी कॉपर जो है 700 के ऊपर टॉप चेन है, और 780 तक की रेंज इससे भी बनती हुई दिखाई दे रही है। और जिंक भी नीचे से और संभला है मार्केट, और एल्यूमिनियम में भी खरीदारी लौटी है, तो मेरे हिसाब से एल्यूमिनियम ऊपर में 242 से लेकर 260 की रेंज की तरफ जा सकता है, वहीं जिंक नीचे में 300 तो ऊपर में 320 से 340 तक की अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो फिलहाल बाजार में खरीदारी की तरफ रहना चाहिए, डिप पे खरीदारी करें, बढ़ते मार्केट में अभी खरीदारी रिस्की हो सकती है, क्योंकि उठापटक का माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है बेस मेटल्स का भी और एनर्जी सेक्टर का भी। जी रूपा जी, नॉन एग्री कम्युनिटीज में टॉपिक्स क्या चूज करना चाहेंगी आप? देखिए, मुझे लगता है कि कच्चे तेल में खरीदारी करके चलिए, कच्चा तेल आज जो है वो तेजी पकड़ सकता है, और कच्चे तेल की तेजी जो है ऊपर में अगर हम बात करें मई वायदा की, तो जो कि बेहद एक्सपायरी के नजदीक है, और अगले वायदा में बात करें मुझे लगता है 9000 के ऊपर मार्केट जा सकता है, उसमें खरीदारी करके चला जा सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की।